लॉकडाउन के चलते अब ठीकरी पहरा देना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी ही एक घटना इंद्री के बयाना गांव में घटित हुई है, जहां पर ठीकरी पहरा दे रहे लोगों पर कुछ गांव के युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में छुट्टी पर घर आए फौजी की दो उंगलियां कट गई, साथ ही बाकी लोगों की भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फौजी लॉकडाउन के दौरान छुट्टियां बढ़ जाने के बाद अपने गांव की सेवा में जुटा था। इंद्री के गांव बयाना में ठीकरी पहरा लगा हुआ था, ताकि आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। लेकिन इस दौरान गांव के कुछ लोग अपने साथियों के साथ आते हैं। जब ठीकरी पहरा देने वालों की तरफ से रोका जाता है, तो उसके बाद वापस जाकर अपने और साथियों को बुला आते हैं और आते ही हमला कर देते हैं। सबके हाथ में डंडे, गंडासी, तलवारें होती हैं और आते ही हमला कर देते हैं। इस दौरान श्रीनगर में ड्यूटी देकर छुट्टी पर आए हुए फौजी करणवीर की चाकू से उंगलियां काट दी जाती है, और वहीं ठीकरी पहरा दे रहे कुछ और लड़कों पर भी हमला किया जाता है। उनको भी गहरी चोटें आती हैं। उनके ऊपर हमला होते देख बचाव में ठीकरी पहरे पर मौजूद लोग भी हमला करने आए लोगों पर हमला कर देते हैं, और देखते ही देखते गांव की सड़क पर महाबारिश शुरू हो जाती है। इस दौरान एक व्यक्ति को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। इंचार्ज श्री राजेंद्र कुमार, हमें सूचना मिली कि गांव बयाना में झगड़ा हो रहा है। जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे, तो वहां पर एक दिलबाग, एक सागर और एक रणबीर, इन तीन लोगों को जो ये ठीकरी पहरा पर बैठे हुए थे, इनको गाँव के ही कुछ शरारती तत्वों ने आकर मार पिटाई कर दी। जो दिलबाग है उसकी दैन हाथ की दो उंगलियां डैमेज हो चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और जो सागर है उसके सिर में कटर वगैरह लगा हुआ है। अभी उनके बयान लेके ऐसी कार्रवाई। दिलबाग क्या काम करता था? दिलबाग जो है फौजी है, वो अपनी छुट्टी पर आया हुआ था। वो छुट्टी पे आए हुए, अब लॉकडाउन होने की वजह से इनकी छुट्टियां भी एक्सटेंड कर दी गई हैं, जिस कारण वो अपना गांव में अपना जो है ठीकरी पहरा पर सेवा कर रहा था। जो गांव-गांव में पहरे लगाए हुए हैं, शरारती तत्व हैं। जैसे ही ये नाके पे बैठे हुए थे, तो इनके साथ उनकी तहासुनी हुई, जिस बात को लेके भी कार्रवाई की जाएगी फिर जी सर। अभी बयान लेके उनकी कार्रवाई की। मेरा नाम राकेश कुमार है जी, गांव बयाना से, और यहां पर हम पहरा दे रहे थे, बैठे हुए जी यहां पर नाके पे। तो यहां पर 10-12 लड़के आते हैं और यहां पर हमला बोल देते हैं, गड़ासी और के साथ, कटर के साथ, लाठी के साथ आके यहां पर मारपीट करते हैं। हमारे फौजी साहब भी बैठे थे यहां पर, वो भी ड्यूटी दे रहे थे यहां पर बैठे, उसकी दोंगलियाँ काट दी जी। एक लड़का सागर है जिसके सिर में चोट लगी, सिर फाट दिया जिसका कटर से। एक रणबीर है जिसको उसको बाजू में चोट लगी है, टांग पर चोट लगी है जिसकी जी, उनको चोट लगी जी, उनको लेकर अस्पताल जा रहे करनाल जी। कार्रवाई हुई जी, हम तो यही चाहते हैं बस। कौन लोग थे कहाँ? ये 3-4 लोग गाँव बयाने के थे, 5 जी, और कुछ मरादगढ़ के तारे, कुछ बदरपुर के तारे जी। गाँव गए तो मेरा बच्चा छुट्टी आ रहा था, बोला मैं देश की सेवा वास्ते वहाँ, तो मतलब इस बीमारी कारण वहाँ तो बोले भी अपने देश की वही कर ले गांव की सुरक्षा। तो भी फिर ये नाके नुके पे बैठ गए, नाके बैठ के 10-15 जने आए मारा घर में, किसी ने नहीं पता, वो मार छेद के चले गए। किस किस चीज जगह हमला किया गया जी? कटर तक करे जी। तो कितनी चोट लगी हुई है? उसकी उंगली कटी हुई है जी, दो उंगली कट रही है उसकी। अच्छा, फौजी साहब की उंगलियां काट दी, दूसरों का कितनी चोट लगी? उनका गुम चोट लगी है, एक का सिर काट रखा है जी। तो आपके परिवार से हैं सर? हां जी, सारे परिवार के हैं। तो क्या कार्रवाई करते हैं? ना हमारी दुश्मनी थी, ना हमारी कोई छेड़खानी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरे बच्चों के लिए माना तो नहीं साफ चाहिए भी, आगे किसी के बच्चे के लो हमला ना करे, ये छूटने नहीं चाहिए बस ऐसे ऐसे हैं। इन्हें कई बार दात कर लिया ऐसी गाँव में, इन्हें फिर पैसे देकर छुटवा लिया माँ बाप, फिर ये ऐसे हमले करें। तो मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था, देश की सुरक्षा कर रहे थे, अपने गांव में बचाव कर रहे थे। जब इस सरकार तो कह तो रही सुरक्षा करो, क्या सुरक्षा करे, जो बच्चे ने काट बांट के घेर दें है, पुलिस ने भी छेड़ता, फौजिया ने भी छेड़ता, ये मलंगे ये फिर ये न्यू घूमेंगे, ये सब ने न्यू छेते पीटेंगे। मरना तो इतनी सख्त कार्रवाई करो इनकी, ये जेल में तो छूटो ना, और नहीं शराम इनका गोली मारो बस। ये किसी ने जीण दिन गांव में न्यू फिरेंगे इस तरह। कल मेरे यहाँ गली में को चक्कर काट काट के, या वो घर भी बताए भी या उनका घर है या उनका घर है, घर भी बताए उनने जोड़ से बुरा, फिर उन्हें फोन करे, फोन करके कहे भी आ लिए मे नाके पे, फिर मैं सारे बटड़े होकर आए, एक एक मोटरसाइकिल पर 3-3 जने आए हैं, आंदे हमला करे बच्चों पर।
बड़े का भी गुम चोट लग रही, रणबीर का भी बाजू टूट रही, दिखा उसकी गुम चोट लग रही, और इसकी दिलबाग की आंगड़ियाँ काट दी दो, और सागर का सिर पाड़ दिया। ए गरीब घर मारे हैं, उन्हें ऐसा हमला करा, गांव के वास्ते ही तो बैठे थे, सेवा वास्ते बैठे थे, हैं देश की सेवा कर रहे थे, वहाँ भी कर रहे थे, उरा भी कर रहे थे, भी चल अपने गांव में कर ले, जो सरकार का देश था वही करना था उन्हें तो, हैं मैंने भी हटाए नहीं, मैंने कहा बेटे भी कर लो भी सेवा ही है तो किसी का बीमारी ना लगे, और तीन चार मुसलमान का डोआए उसने उरा तई अंदर लखो रखे थे, हैं देश की सेवा ही वास्ता तो छोड़ रखे थे, अपने नहीं थोड़ी पता था मारे मर पे आप तो बढ़ेगी आन कर लड़ाई नहीं मेरे बच्चों की बढ़ाई नहीं कोई सी गेलो भी नहीं कोई गांव का नहीं कह दे भी ये बच्चे नहीं भैंसे थे हैं फिर भी आम लो है मेरे बच्चों पे और मन पता भी नहीं तो गांव के लोग भी शामिल हैं इसमें ये गांव के तो हैं जो से ये क्या क्या नाम है रे उनके एक का तो वह है पंकज है ना और आगे इन बच्चों ने पता प्रदीप कुछ गांव के लोग हैं कुछ बाहर गए हैं हाँ बाहर गए तो बुला रखे थे ना फोन कर कर का बुलाए मुरादगढ़ का है गढ़ पर के फाजल पर के इंदरगढ़ के बदर पर के हैं दो और गांव के हैं सारे ये सारे इनकी गैंग के आदमी हैं सारे फट दे सिया कई हमले कर लिए ना इन्हें फिर छटवा लिया माँ बाप ये सांड थोड़ी छोड़ दिए सारे गांव पे हैं आज तो मेरे बच्चों के लोग करा वे भी मेरे बच्चे हैं जो गांव के हैं मेरे गांव के वही भी मेरे बच्चे हैं जो और किसी पर हमला करे जिस तरह ही ना और माना पता भी नहीं मन तो फिर जब इन्हें दिल भाग ने लेकर चले गए जब पता लगा मैंने तो इस तरह थोड़ी हो करे जी मान ले पुलिस पे भी डंडा बरसाव है फौजियाँ पे भी बरसाव है हमने नहीं थोड़ी पाले थे भी थर देश की सेवा भी करेंगे और छितू आवेंगे अपने बच्चों ने हमारे पे देखे जावांगलियाँ उसकी घटना बताया सर गांव में ठीक रिपेयर लगा हुआ था सर उसमें यहाँ पर कुछ बाहरी या कुछ गांव के आदमी उन्होंने आके यहाँ पर जाम लग गया जो पैर लगाने वाले थे तो हम प्रशासन यही मांग करेंगे भी गांव में इस प्रकार की घटना ना घटे और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो है इसकी सच्चाई को पता लगाए भी क्या घटनाक्रम रहा है तो एक जवान भी था जो देश पे सेवा करता है हमारी सेवा करता है ऐसे आदमियों के हमला होता है तो कितनी निंदनीय घटना है ये इसके लिए बहुत निंदनीय घटना है इसकी जितनी भी मतलब वो की जाए घटना तो बहुत निंदनीय काम है जो देश की सेवा करता है आदमी और गाँव में भी सेवा कर रहा था उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना हो जाए तो बड़ी शर्मनाक घटना है ये जिसके बारे में कोई मतलब कहने के कोई शब्द नहीं है हमारे पास ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.